गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, चलते हैं फिर आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पर मैं काम करके फ्री हो गई हूँ और अब मैं लगाने आई हूँ अपनी प्लेट और मैं ले रही हूँ दही। आज मम्मी ने बोला कि काला नमक डालकर दही खाना, क्योंकि काला नमक डालकर दही खाने से ना पेट सही बना रहता है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल दूँगी काला नमक, और मैं जीरा पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाल रही, सिर्फ नॉर्मली दही और काला नमक। और पता नहीं क्यों एक दो दिन से डैडी को गोभी आलू सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो डैडी सब्ज़ियों में गोभी आलू ही लेके आ रहे हैं। तो आज मम्मी ने फिर से गोभी आलू बनाई है, लेकिन इस बार छिलके वाले आलू नहीं हैं, और साथ में रोटियाँ। और डैडी अभी ना एक मिर्च का अचार लेके आए हैं, तो डैडी ने बोला कि ट्राई करके देखो ये मिर्च कैसी है, अगर अच्छी लगी तो डैडी दोबारा भी लेके आएंगे। तो आज मैंने ये मिर्च का अचार ले लिया साथ में, जो कि दिखने में तो बहुत टेस्टी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी इसमें से। तो चलिए खा के देखते हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास बहुत सारा काम था और वो फ्री करी मैंने, फ्री हुई और फिर वीडियो वगैरह डाल के बाद मैंने खाना सर्व किया, इसके बाद में मैं सो गई थी, बहुत थक गई थी। तो अभी घड़ी में टाइम हो रहा है, अभी 5 बजे नहीं है। सुबह इतना थक गई थी ना कि नहाने के बाद मैंने अपने हेयर कॉम भी नहीं किए और डायरेक्ट खाना सर्व करके खाना खा के सो गई थी। कभी कभी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो बहुत थक गई थी और मुझे पता नहीं चला, सुबह का टाइम तो ऐसे ही निकल गया मेरा। और डैडी के लिए गए नहीं है, डैडी घर पर ही हैं, तो सब लोग बाहर बैठ कर बातें कर रहे हैं। और अभी प्लान बन रहा है सैंडविच वगैरह खाने का, तो अभी मैं पहले फेस वॉश कर रही हूँ। इवनिंग में सो के उठती हूँ ना, तो एक बार फेस वॉश कर लेती हूँ, तो अभी मैं फेस वॉश कर रही हूँ। तो अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है गाइस, पता नहीं क्या, जब तक मैं जैसे मैं इवनिंग में सो के उठती हूँ ना, तो अगर मैं फेस वॉश ना करूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि यार क्या ऑयली ऑयली स्किन हो जाती है ना, और जिनके ऑयली स्किन होती है ना उनको एक नहीं दिन में 2-3 बार वॉश करना चाहिए। तो अभी फ्रूटी किचन में एंटर कर चुकी है चाय बनाने के लिए है फ्रूटी। तो गाइस कोई बोलता होगा कि कोई अगर किसी को जैसे चाय ज़्यादा नुकसान करती है ना, तो गाइस बहुत से लोगों के साथ में दिक्कत ये होती है कि उनको चाय पसंद होती है लेकिन उनको डर लगता है कि हम चाय पिए या नहीं कि नुकसान करेगी। तो वो लोग ना एक काम कर सकते हैं कि चाय के जैसे ना दूध को पी सकते हैं, जिस तरीके से दूध को लेते हैं ना गर्म करते हैं, तो दूध को गर्म कर लीजिए और चाय जैसे बनानी है आपको तो चाय के जैसे उसमें थोड़ी सी लो, इतने महंगे टमाटर आ रहे हैं और हमारे टमाटर सड़ रहे हैं, वो एक दब गया होगा और सब्जियों के नीचे क्यों अभी जाएगी। तो टमाटर महंगे आ रहे हैं, हमारे टमाटर सड़ रहे हैं। तो गाइस मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ तो वो ना, तो वो एक काम कर सकते हैं कि दूध को लेकर के और उसमें पत्ती डाल के तुलसी वगैरह डालकर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ना विंटर में नहीं हो पाता, क्योंकि हमको पहले अदरक के साथ खौलानी पड़ती है ना चाय को। और अगर क्या कहते हैं, बस ऐसा गर्मियों में ही हो सकता है। तो जितने भी लोग देखते हो ना कि मैं चाय पी रही हूँ, तो वो चाय नहीं होती, वो दूध होता है और उसके अंदर ना पत्ती डाल करके उसको इस तरीके से बना लेते हैं। गाइस रूटी आपको बताने वाली है एक बात कॉमेडी की, वो जो अभी मुझे बता रही थी, तो मैंने कहा मेरी यूट्यूब फैमिली को भी बता दो। तो आइए फ्रूटी मैडम, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें क्या था कि एक लड़की मार्केट जा रही होती है, अब वो तो बोलती है कि मुझे बहुत देर हो गई है, अब मैं घर पर चलती हूँ सब्जी लेती हूँ, मम्मी ने मुझसे बोली सब्जी लेने के लिए। अब वो जाती है, अब वो बोलती है भैया टमाटर कैसे दिए आपने, तो भैया बोलते हैं 400 रुपये किलो टमाटर दिए हैं। तो बोलते 400 रुपये किलो दिए हैं, जब वो अपनी पॉकेट में पैसे देती है तो उसके पास सिर्फ 50 रुपये होते हैं। बोलती अरे यार पैसे खर्च कर दिए 50, तो भैया से बोलती भैया एक काम करो आप 50 रुपये के ही टमाटर दे दो,
इतने वो टमाटर टमाटर लेती है और वो खाती है ठेल पर, तो कहती है हाँ वो कहती है ठीक है। तो भैया बोलते हैं बस हो गए, वो बोलती है क्या ये 50 रुपये का ही टमाटर था एक उसमें 50 रुपये होते हैं, वो भी उसने एक टमाटर लेके वैसे ही खा रहा होता तो वो भी 50 रुपये का ही होता है सही है गाइस, वैसे भी पता नहीं क्या ही हो जाता है, कभी तो प्याज इतनी महंगी हो जाती है, कभी टमाटर समझ में ही नहीं आता। चीकू बाय बाय, बाय चीकू बाय, नो गाइस देखिए चमत्कार हो गया केले के पेड़ में गुड़ैल का फूल निकल रहा है, अरे नहीं है मजाक कर रही हूँ मजाक कर रही हूँ, ये अभी फ्लावर्स डैडी ने तोड़े हैं और वो मम्मी ने केले के पेड़ में लगा दिया है। वाओ क्यों, अगर देख लिया ना किसी ने तो सर पकड़ के ना वो पागल हो जाएगा कि केले के पेड़ में है ना गुड़ैल का फूल कहाँ से निकल रहा है। तो डैडी गए थे, डैडी को सुबह थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था। और हमारे केले भैया कैसे हो, तो गाइस ये डैडी की ट्रिक है फ्लावर्स को तोड़ने की, ये लो दिखाना, अरे वाह अरे वाह सेंड। तो गाइस अब हो गया डिनर का टाइम, और डिनर में मम्मी ने धनिया हरी मिर्ची की और पुदीने की चटनी बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है डैडी जी की बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर दीदी ने खिचड़ी बनाई है खाने में, और खिचड़ी कभी कभी ना गाइस खानी चाहिए बहुत अच्छी लगती है। तो खिचड़ी के साथ में मैंने डाली है दही और थोड़ी सी मैं पुदीने की चटनी लगा कर खाऊँगी खाना, तो आज का खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है क्योंकि पुदीने की चटनी है साथ में। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा पसंद आया हो, और ओ टमाटर वाली मैडम तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक करना शेयर करना कमेंट करना, ऐसे ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।